हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो हम आज आपको एंड स्क्रीन के बारे में बताएंगे। इसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद हमें वाइट स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना होगा। मोनेटाइजेशन वाला पेज खोलना होगा। इसके लिए हमें कस्टम पर क्लिक करके वाइट स्टूडियो ये जो हमारे मोनेटाइजेशन वाला पेज है ना, उस वो खुल जाता है। थोड़ी देर तक वेट कर लेते हैं, तब तक खुलता है। थोड़ा इंटरनेट स्लो है हमारा। जैसा कि इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा, आपने सबसे पहले इसमें जो आपने कंटेंट होता है ना, हमारी जितनी वीडियो दिखाई देगी कंटेंट वाले पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी जितनी भी वीडियो अपलोड होगी वो सारी वीडियो आपके सामने दिखाई देगी। हमें कोई भी एक वीडियो इसमें ले लेनी है। जैसे कि हम एक वीडियो लेते हैं, उस वीडियो पर क्लिक करना है और पेंसिल वाले पर क्लिक करके कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। और साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा एंड स्क्रीन लिखा हुआ। तो आपको दिखा देते हैं, जैसे एंड स्क्रीन लिखा, इसके सामने पेंसिल पर क्लिक कर देना है। आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर फ्रेम आ जाएंगे, जौन सा मर्जी चाहे वो लगा सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ये दो ले लेता हूँ। ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे जैसा भी लगाना चाहे। और जौन सी वीडियो लगानी है उस पर क्लिक करके चूज वीडियो, हम इसमें से कोई भी वीडियो इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि हमारी एक वीडियो आ चुकी है, दूसरे पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया, फिर चूज कोई एक वीडियो इसमें हम चूज कर लेंगे। इसके लिए दूसरी वीडियो भी हमारी इसमें रेडी हो गई है, लग गई है। और ऊपर हमें सेव का ऑप्शन है, उस पर सेव कर देना है। तो कुछ इस तरह से हम अपनी वीडियो के एंड में स्क्रीन लगा सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि हमारे